2008 से भारत सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य लड़कियों को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। बालिकाओं में इसी जागरूकता को फैलाने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर बालिकाओं को अध्यात्म द्वारा मिलने वाले अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करती है। इसी सिलसिले में भारत के कई राज्यों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए उसी से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली के इंद्रपुरी में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अनेक बालिकाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में कॉलर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रेरणादायी कविता लिखकर अपना नाम दर्ज कराने वाली बालिका प्रणाया गुप्ता को आमंत्रित किया गया था। 7 साल की प्रणाया मार्शल आर्ट में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। कार्यक्रम में इंद्रपुरी की सेंटर इंचार्ज बीके बाला और बीके गायत्री ने बच्ची को ईश्वरीय सौगात देकर उसका हौसला बढ़ाया। मुंबई के डोंबिवली में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में MIDC कोटेश्वर मंदिर से सांवला राम कीड़ा संकुल तक रैली का आयोजन किया गया। साथ ही साथ संकुल में फ्रेंड्स लाइब्रेरी द्वारा पुस्तक आदान प्रदान प्रदर्शनी का आयोजन भी रखा गया। कार्यक्रम में डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सकू दीदी के मार्गदर्शन में एक तरफ रैली निकाली गई, तो दूसरी तरफ बीके मनीषा दीदी ने बालिकाओं के प्रति सद्भाव एवं रक्षा के विषय पर भाषण कर लोगों को जागृत किया। कार्यक्रम में फ्रेंड्स लाइब्रेरी के संस्थापक पुंडलिक पई का शॉल और प्रसाद देकर सम्मान किया गया। वहीं नगर सेवक योगेश महात्रे मानव कल्याण केंद्र की प्रमुख ललिता छेड़ा का भी सम्मान किया गया। राजस्थान के जोधपुर में भी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव वरदानी भवन में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी डॉक्टर कृति भारती, एडिशनल SP जोधपुर प्रेम धनदेव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंजना चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, संचालिका सरदारपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन बीके मीनू बहन ने किया। मध्य प्रदेश के धमतरी सेवा केंद्र की ओर से एग्जिट फाउंडेशन में श्रवण बाधितार्थ शासकीय कन्या विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीके सरिता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। सरिता दीदी ने विकलांग बालिकाओं से कहा कि भले शरीर का कोई भी अंग असमर्थ है, लेकिन मन यदि समर्थ पॉजिटिव है तो वो कमी आगे बढ़ने में कभी बाधा नहीं बनती। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाला की प्राचार्य उमा देवांगन ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि बीके नवनीता, बीके जागृति और बीके ईश्वर भाई रहे। सुसंस्कारित बेटियां घर का श्रृंगार जहान का दीपक होती हैं, जो समाज को सही दिशा देकर दिव्य व श्रेष्ठ बना एकता के सूत्र में बांध सकती हैं। ये बात राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कादमा शाखा प्रभारी ब्रह्मा कुमारी वसुधा ने कही। इस दौरान कार्यक्रम में नृत्य, फैंसी ड्रेस, कविता आदि प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच चांदपति ने कहा कि हमें बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी घटनाओं से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर मानवता नगर और देव बुराड़िया सेंटर की ओर से भी सशक्त बेटी सशक्त भारत विषय पर कार्यक्रम किया गया। AIG नितेश भारद्वाज ने इस दौरान उपस्थित कन्याओं और अन्य सदस्यों को पेरेंटिंग और चाइल्ड क्राइम विषय पर जानकारी दी। इस मौके पर ताइक्वांडो ट्रेनर तपन यादव, वेदांत द ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल पूनम राजावत, LIC फाइनेंस मैनेजर सर्वेश आनंद, साकेत सेवा केंद्र की इंचार्ज बीके अंबिका, मानवता नगर सेवा केंद्र की इंचार्ज बीके मीतू, योगा ट्रेनर डॉक्टर मुक्ता रॉय मौजूद रहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, किशोर सागर एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके रीना बहन ने कहा कि वह घर सूना है जिसमें बेटियां नहीं होती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासिका वन स्टॉप सेंटर प्राची सिंह चंदेल, महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह, महिला बाल विकास सहायक संचालक जितेंद्र गुप्ता, परियोजना अधिकारी मंजू जैन,
महिला प्रकोष्ठ प्रभारी एवं SI तबस्सुम खान उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी बालिकाओं को महिला बाल विकास की ओर से सम्मानित भी किया गया। MP के सारंगपुर सेवा केंद्र की ओर से छात्रावास में बालिका दिवस मनाया गया। महिला विंग के अंतर्गत नगर के सीनियर कन्या छात्रावास एवं कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में ये कार्यक्रम किए गए, जिसमें बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि ये बालिकाएं ही समाज की सच्ची परिवर्तक हैं। वहीं BK प्रीति दीदी ने कमेंट्री के माध्यम से मेडिटेशन कराया। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षिका द्रौपदी गोयल, अधीक्षिका शशि वर्मा, ईश्वरी परिवार के सदस्य मौजूद रहे।